दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए स्वास्थ्य ज्ञान एंड हेल्थ जीवन को, बेल का नोटिफिकेशन दबाना ना भूलेगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा दिखना चाहता है और वजन उसमें सबसे मेन सहायक होता है। जल्दी वजन बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम उन तरीकों की बात कर रहे हैं जो आपकी बॉडी को हेल्दी रखे और हमेशा रखे। देखिए दोस्तों, वजन घटाने के तो बहुत सारे तरीके, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप डाइटिंग कर सकते हैं, लेकिन वजन बढ़ाने के बहुत कम तरीके होते हैं दोस्तों। तो आज मैं उसी पे चर्चा करने वाला हूँ। वजन बढ़ाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए हम घरेलू उपाय का उपयोग कर सकते हैं। वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वजन क्यों नहीं बढ़ पाता। हो सकता है बॉडी में अगर खून की कमी हो तो भी वेट नहीं बढ़ पाता। अगर आपका शारीरिक श्रम नहीं हो या व्यायाम नहीं करते हो तब भी कहीं ना कहीं वजन नहीं बढ़ने का कारण हो सकता है। हो सकता है कोई जेनेटिक बीमारी हो या थायराइड हो, उसके कारण नहीं होता है। शारीरिक व मानसिक तनाव के कारण भी आदमी दुबलापन रह जाता है। सबसे ज़रूरी बात, पाचन शक्ति अगर अच्छी नहीं है तब भी ये मुख्य कारण होता है दोस्तों। तो आज हम चर्चा करेंगे वजन बढ़ाने के ऊपर। तो ऐसे दुबला पतला शरीर हमेशा कमजोरी का संकेत होता है। मोटा होने के लिए अधिकतर लोग कैप्सूल, टेबलेट और पाउडर पर विश्वास करते हैं, इसलिए वे तेज़ी से वेट बढ़ाने के लिए मेडिसिन का नाम जानते भी होंगे। वेट गेन टिप्स में आपको मैं बहुत सारी जो है टिप्स मिलती रहती है, जो पेपर में भी बहुत सारी टिप्स आती रहती है, लेकिन मैं चाहता हूँ दोस्तों कि मैं आपको कुछ ऐसे सुझाव दूँ जो आपके घर में ही प्राप्त हो जाए और आप एक हफ्ते के अंदर, मात्र 7 दिन के अंदर आपका वजन बढ़ जाए। पहली मैं बात कर रहा हूँ दूध और केले की। जल्दी वजन बढ़ाने के लिए डाइट में दूध और केला शामिल करें। सुबह और शाम दिन में 2 बार दूध जरूर पीना चाहिए। दूध पीने के साथ एक केला खाने का जो है उसे काट कर अपने जो है दूध में डाल दीजिए और उसे मैश कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं आप शेक, उसको केला शेक बोल सकते हैं, बनाना शेक बोल सकते हैं, तो उसे आप खाएंगे तो सुबह शाम में आपका वजन एक हफ्ते में आपको 5 किलो तक अंतर आएगा। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप अंकुरित जो है दालें ले सकते हैं जो कि प्रोटीन से भरपूर होती है, या अगर आप वेज नॉन वेज दोनों अगर खाते हैं तो आप अंडा ले सकते हैं दोस्तों। रोज़ एक अंडा खाने से भी आपका वेट कहीं ना कहीं प्रोटीन भी मिलेगा प्लस कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा आपको दोस्तों। इसके अलावा आप सोयाबीन और वह चने भिगो कर आप रात में रख दीजिए, सुबह अंकुरित होने पर उसे आप खाइए। तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में एक हफ्ते के अंदर अलग ही स्फूर्ति, वो ताजगी, वो मोटापा नज़र आएगा दोस्तों। वजन बढ़ाने के लिए तो हमें बहुत सारी चीज़ें खाने चाहिए, लेकिन मैं कुछ और बताता हूँ आपको। देखिए वजन बढ़ाने का मेन कारण या मेन सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलेगा? उसके हमें प्रोटीन और फाइबर भी चाहिए जो कि सही मात्रा में रहे दोस्तों। देखिए आलू में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होता है। कार्बोहाइड्रेट वजन बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। जल्दी वेट बढ़ाना है तो डाइट में उबला आलू या फिर आलू की सब्ज़ी खाएं, जो कि इंडिया में फेमस है। दलिया में फाइबर होने के साथ कई अन्य पोषक तत्व भी होते हैं जो हमारे शरीर को मौजूद जो है मोटापा बढ़ाने में मदद करते हैं। आप नाश्ते में जो है दलिया खा सकते हैं। पनीर एक अच्छा स्रोत है जो कैल्शियम अधिक होता है, हमारे हड्डी को मजबूत करता है। इसके अलावा उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों होता है दोस्तों। आप कोशिश करें 3 से 4 लीटर पानी रोज पिए, जिससे कि आपके जो विषैले पदार्थ आपके बॉडी के अंदर है सब बाहर निकल जाए दोस्तों और आपका पाचन तंत्र बहुत मजबूत हो जाए। मैं अंडे की पहली बात कर चुका हूँ, 4 अंडे या 2 अंडे जिसे भी आप शाम को खा सकते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं आपको फ़र्क पड़ेगा। ड्राई फ्रूट भी आप खाएंगे तो प्रतिदिन 10 काजू या बादाम खाएंगे तो उससे भी आपके कहीं ना कहीं बॉडी में बहुत अधिक फ़र्क पड़ेगा। ये सब फ़र्क आपके जो है नेचुरल तरीके से होगा और वो 7 दिन में आपको फ़र्क दिखने लगेगा। मोटापा या मोटा होना बिना पेट बढ़ाए मोटा होना वो ज़्यादा मायने रखता है कंपेयर टू मोटा होना। कुछ लोग मोटा हो जाते हैं और उनका पेट भी भरक दिखता है, फिर आदमी पतला होने के लिए डाइट करता है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप ये जो सब चीज़ें नुस्खे खरे, साथ में आप एक्सरसाइज भी करते रहें जिससे कि आपका पेट नहीं पड़ेगा दोस्तों। ऐसे ही नए नए नुस्खे मैं आपके लिए लेके आऊँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।